आप महाराष्ट्र में हैं, तो सावधान हो जाइए। कल यानी शनिवार को महाराष्ट्र बंद है। ये ऐलान है महाविकास अघाड़ी का, जो बदलापुर कांड को लेकर आक्रोशित है। गौरतलब है कि 4 साल की स्कूली बच्चियों से दुराचार के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में उबाल है। एक ओर जहां शिंदे सरकार मामले में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। महाविकास अघाड़ी ने कल यानी 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के इस बंद का असर महाराष्ट्र में एसटी निगम और रेलवे सेवाओं पर देखा जा सकता है। मुंबई में लोकल सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। पिछली बार बंद के दौरान पथराव के कारण एसटी निगम की बस क्षतिग्रस्त हो गई थी। बदलापुर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर ट्रेन रोक दी थी। एहतियात के तौर पर राज्य में कुछ स्थानों पर ये सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। अघाड़ी की ओर से जनता से इस बंद में खुद भाग लेने की अपील की गई है। इसलिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहने की संभावना है। सब्जी मंडी, अन्य दुकानें बंद रहेगी। दूध बिक्री, सब्जी बिक्री और किराना दुकानें, होटल बंद रहने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने वाली थी, लेकिन बदलापुर कांड के बाद राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मचे हंगामे को देखते हुए सीटों पर चर्चा रद्द कर दी गई और 24 अगस्त को राज्य में बंद का आह्वान किया गया। हालांकि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ये साफ किया था, ये राजनीतिक बंद नहीं है, इसका मकसद महिला अपराध के प्रति जागरूकता है। लेकिन सूबे शिंदे सरकार ने पुलिस प्रशासन को चौकस कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने भले ही ऐलान किया कि ये बंद राजनीतिक नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बंद के जरिए विपक्ष शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष इसे साफ बनाने में पूरा दमखम दिखा सकता है। उधर दूसरी ओर अघाड़ी के इस बंद के ऐलान के बाद शिंदे सरकार भी एक्शन में आ गई है। सीएम शिंदे ने दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और दस्ते को अलर्ट कर दिया है। बता दी कि बदलापुर कांड के विरोध में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों से इस बंद में शामिल होने की अपील की है। इस घटना को लेकर राज्य भर में पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में अघाड़ी की अपील के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त होने की आशंका है और इसका असर कई सेवाओं पर पड़ सकता है। इसलिए एबीपी की अपील है कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो कल यानी 24 अगस्त शनिवार को घर से बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.